वेलकम दोस्तों, गुजराती चेस जोन आप सभी का स्वागत है। रुई लोपेज की सीरीज अभी चल रही है, रुई लोपेज चेस ओपनिंग। व्हाइट और ब्लैक दोनों की ओर से आप तैयार कर सकते हैं। हमने पहला भाग लास्ट वीडियो में बताया था आपको लियोन आरोनियन वेरिएशन, उसी में हम जरा डीप में देखेंगे आज लियोन आरोनियन वेरिएशन में। शुरू करते हैं e4 और e5, नाइट f3, Nc6, बिशप b5, a6। यहाँ पे Ng e7, पहले हमने डिस्कस किया था Ng e7 के बारे में, लेकिन अर्ली a6 भी पॉसिबल है। ये थोड़ा ट्रिकी ट्रांसपोजन से यहाँ पे बिशप a4, उसके बाद Ng e7, ये भी एक मेन लाइन है दोस्तों। Ng e7 समझ लेना है आपको कि आप खेलना चाहते हो आरोनियन वेरिएशन, बहुत ही बढ़िया है ब्लैक से भी। व्हाइट यहां करेगा कैसल, कैसल के बाद दोस्तों यहां एक मूव अगर व्हाइट कैसल नहीं करता है, सपोज यहाँ पे व्हाइट कैसल के जगह बिशप b3 करता है, तो यहाँ मैं आपको सतर्क रहने का बोलूँगा, क्योंकि नेक्स्ट थ्रेट Ng5 हो सकती है। तो इसके रिप्लाई में आपको Ng6 रिप्लाई देना है, खास ध्यान रखिए, ये बेस्ट ऑप्शन है। तो पहले अगर व्हाइट ने कैसल कर लिया तो आपको क्या करना है, और पहले अगर व्हाइट ने बिशप b3 कर लिया तो अलर्ट रहना है दोस्तों। बिशप b3 के सामने Ng5 आ सकता है, तो तुरंत Ng6 करके आपको रिप्लाई देना है, ताकि वो Ng5 का जो अटैक है वो क्वीन से आप स्टॉप कर सके, देन बिशप e7 भी खेल सके, और बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगे। तो देखते हैं, कैसल इज अ मेन मूव। कैसल के बाद यहाँ आप g6 कर सकते हो। g6 के बाद वाइट खेलेगा c3, सेंट्रलाइज d4 का आइडिया है। C3 के सामने बिशप G7 और उसके बाद D4, यहां आपको पॉन टेक्स पॉन मार देना है, e takes d4, वाइट c takes d4 और उसके बाद B5। यहां ये पॉन के ऊपर जो दो थ्रेट है क्वीन और नाइट का, इसे सपोर्ट करने के लिए B5 जरूरी है। B5 के बाद व्हाइट के पास दो ऑप्शन है, दोनों रिप्लाई में आपको क्या खेलना है वो मैं बताऊंगा। तो एक रिप्लाई है बिशप c2 और दूसरा रिप्लाई है बिशप b3। तो बिशप c2 के आगे क्या करना है आपको, अगर व्हाइट बिशप c2 करता है तो शॉर्ट कैसल, उसके बाद व्हाइट खेलेगा d5, यहां नाइट a5 और उसके बाद c5 कर सकते हो, या फिर बिशप b7 कर सकते हो। नाइट c3 ये मेन लाइन है, यहां सिंपल d6 करना है। टोटल हो गए 11th मूव आपके पास। अब देखते हैं बिशप b3 में क्या रिप्लाई देना है। बिशप b3 में आपको रिप्लाई देना है कैसल। अब दोनों में सेम रिप्लाई है। यहां से गेम में व्हाइट के पास दो ऑप्शन है, बिशप b3 के बाद अर्ली d5, दूसरा ऑप्शन है नाइट c3। ये दोनों ऑप्शन के रिप्लाई, अगर d5 अर्ली करता है तो नाइट a5 आएगा, अगर व्हाइट d5 करता है तो आपका नाइट a5 और बिशप पे थ्रेट, उसके बाद नाइट c4 आप कर सकते हो। नाइट ए5 में अगर बिशप c2 लाते हैं तो
तो आप d6 करके भी खेल सकते हैं। तो ये रिप्लाई था आपका d5 के अगेंस्ट। दूसरा रिप्लाई है दोस्तों जो Nc3 d5 के अल्टर में, तो Nc3 के सामने यहाँ आपको d6 करना है। d6 के बाद वाइट खेलेगा h3 ताकि बिशप से नाइट पिन ना होए। h3 जरूरी है दोस्तों यहाँ पे वाइट के लिए। h3 के बाद नाइट a5 और यहाँ बिशप c2 बेस्ट ऑप्शन है बिशप बचाने का, और उसके बाद ब्लैक c5। यहाँ पे वाइट बिशप g5 कर सकता है, bg5 बेस्ट चॉइस, और bg5 के रिप्लाई में यहाँ आपको खेलना है h6। तो दोस्तों 13 मूव हो गए इस लाइन के, दोनों लाइन आपके सामने तैयार है। आप वन बाय वन बोर्ड के ऊपर ये पोजीशन देख के प्रैक्टिस कीजिए, और रुई लोपेज में दोनों तरीके से आप खेल सकते हो। तो कोई भी ओपनिंग तैयार करने के लिए ज़्यादा मेरी एक ही एडवाइस है कि आप ज़्यादा ओपनिंग तैयार मत कीजिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, और एक ही ओपनिंग करने के बाद उसके ऊपर आप वन बाय वन लगातार बहुत सारे गेम्स प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पता चले कि कितने मूव्स आपके सही है। जैसे कि मैंने तो सभी रिसर्च करके बनाए हैं ओपनिंग के मूव्स, तो ये ओपनिंग के मूव्स मोस्टली सही होंगे। कहीं कभार अगर मैं थोड़ा सा गलत होता हूँ तो आप उसे खुद की तरफ से सुधार भी सकते हैं, पर मैं बहुत ओपनिंग ट्राई करके ही आपको सिखाता हूँ। खास ध्यान रखिए कि जो भी ओपनिंग मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं उसके ऊपर बहुत सारे गेम्स खेल चुका होता हूँ, तभी मुझे कॉन्फिडेंस आता है और मुझे पता चलता है कि ये सारे मूव्स परफेक्ट हैं, और मोस्टली मेरा विन रेट भी ज़्यादा है, और ली चेस में मेरा जो रेटिंग है वो भी 2200 से ऊपर है। तो आपको खास एडवाइस है कि कोई एक ओपनिंग पकड़ के चलिए, मेरी जो चैनल है उसमें आपको बहुत सारी ओपनिंग्स मिल जाएगी। 130 जितने वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो इतने सारे वीडियोस में ज़्यादातर मोस्टली ओपनिंग के वीडियोस हैं। पुराने वीडियो भी आप देख के कुछ अलग ओपनिंग सीख सकते हो। अभी हमारी सीरीज चल रही है रुई लोपेज चेस ओपनिंग, तो इसके ऊपर वन बाय वन सारे वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे नए वेरिएशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।